तहसील छिबरामऊ के ग्राम लालपुर में कोविड 19 की पहली डोज दी गई। ये डोज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान लेखपाल और सचिव मौजूद रहे। तो वहीं कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण संपन्न किया गया। वहीं ग्रामीणों की जागरूकता को देखकर लगभग 300 लोगों को ये टीका लगाया गया। देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। छिबरामऊ तहसील के ग्राम पंचायत डरौनी में आज कोविड 19 का टीकाकरण की पहली डोज लगाई गई, जिसमें ग्राम प्रधान लेखपाल जी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आइए आप को रूबरू कराते हैं ग्राम प्रधान जी से, राजू जी से। राजू जी, जो आज टीकाकरण हुआ है, इसमें मतलब जो ग्रामीण है कितने जागरूक है? मेरे यहाँ बहुत जागरूकता फैल चुकी है और दवाई भी कम पड़ चुकी है और 200 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। तो कितनी डोज लग चुकी है अभी तक? 300 लग चुकी है। अच्छा, इससे पहले भी जो कैंप लगा हुआ था ग्राम पंचायत की ब्रोनी में, उसमें कितनी डोज लगी हुई थी? 100। मतलब टोटल मिला के 300 है या 400? 300 के ऊपर है। 300 प्रधानी को 300 प्रधानी ने लगवाया, 300 प्रधानी ने लगवाया, और जो प्राइवेट मान लो बाहर से लगवाया नहीं मालूम है, 300 हम लोगों ने लगवाया। मेरे मोहल्ले के बाहर भी लगवाने के शरीफा वालों जो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहाँ कोविड 19 का टीकाकरण करवाया है। और जैसे कि प्रधान जी ने बताया है कि ज्यादातर लोग यहाँ के जागरूक हैं और कोविड 19 से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं राहुल प्रताप सिंह, धन्यवाद। कन्नौज से राहुल प्रताप सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। महल निर्माण के लिए अधिकृत किए गए भूमि में जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर किया गया घोटाला। जिम्मेदार अधिकारियों को घूस मिला और बदले में उन्होंने जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर भुगतान कर दिया। अब जब जांच सामने आई है तो आनंद फानंद में रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस जांच से न तो जिम्मेदार अधिकारी को कोई फर्क पड़ा, न ही लेखपालों को। क्या रिकवरी का पैसा इन लेखपालों और जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं वसूलना चाहिए? इसी संदर्भ में शोहरतगढ़ तहसील के ग्राम बहनी पत्ता खजनही के गांव गाटा संख्या 344 की जमीन को सड़क की जमीन दिखाकर लगभग 77,46,000 रुपए का भुगतान करा दिया गया और पैसे का बंदरबाट लिया गया। तो वहीं जिलाधिकारी दीपक मेहरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जब जांच उप जिलाधिकारी शोहरतगढ़ से करवाई तो पता चला कि गाटा संख्या 344-345 जमीनों पर 81,41,800 रुपए का अधिक भुगतान किया जा चुका है। तो वहीं मोहम्मद नईम बर्मी लाला के निवासी, उन्होंने बताया कि इनकी कुछ जमीनें महंगे में गई हैं, जिसमें इनको 77,00,000 रुपए मिले थे, जिसको दो प्रभावशाली व्यक्तियों बबलू चौबे और जाकिर हुसैन ने इनके खाते से पैसा फ्रॉड और डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर लगभग 43,00,000 रुपए निकलवा लिए। इनमें से बबलू चौधरी गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है। अब जो पैसे की रिकवरी की जा रही है तो मोहम्मद नईम कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, सारे पैसे तो बबलू चौबे और जाकिर हुसैन के पास है, रिकवरी उनसे भी की जाए। तो वहीं जिलाधिकारी दीपक मेहरा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मोहम्मद नईम द्वारा एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। परेशानी की बात यह है कि आर्थिक एवं कानून की बारीकियों को ना समझने वाले ऐसे कई मोहम्मद नईम हैं जिनके खातों से तरह तरह तरीके से पैसे निकाले गए हैं। वही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने से क्यों कतराते हैं बड़े अधिकारी? जब इतने सारे अधिकारी जांच करने के बाद पैसे ट्रांसफर करते हैं तो रिकवरी की नौबत क्यों आई? देखिए, पहले ही शिकायत हुई थी कि जो मुआवजा है उससे ज़्यादा मुआवजा दिखा के, रोड दिखा के काश्तकार ने मुआवजा पाया था, जिसमें नहर विभाग के लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए पहले लिख दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। अभी ये संज्ञान में आया है कि किसान द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो पैसा जो हमको दिया गया था उसमें कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी हमें दिया है, तो इस पर हम लोग देखेंगे और उसमें कार्रवाई भी करवाएंगे और जो भी तथ्य निकल के आते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम मोहम्मद नईम है और हमारे गांव का नाम बढ़नी लाला है। तो साहब, ऐसा ने कुछ ज़मीन हमारे नहर में गया रहा, तो मैं हमारे 77,00,000 रुपया तक मिला रहा और ये लोग हमारा सारा पैसा ले ली निकाल के। कौन ले लिया आपका पैसा? बबलू चौबे और जाकिर हुसैन। किस चीज़ का पैसा आया था और ये लोग क्यों ले लिया? आपने दे क्यों दिया?
साहब ये लोग कहते रहे कि तुम्हारे खाता में नहर का पैसा कुछ हमारे एक्स्ट्रा कहूँ भी मंगवाओ जाता है तो वैसे तुमसे मतलब ना हो पैसा हमें निकाल के देख पड़ी। अब ये लोग जो है हमारा पैसा जो है आए और बाद में आए तो कहें चलो हमारा पैसा दियो तो हम जो है बगलिया कोशिश करें तो जो है डरवा लागे धमकी दे लागे चलो पैसा हमारा निकाल के जो नहीं तुम्हें जान से मार दे वैसन वैसन साहब तो और बाद में साहब डर बस कुल काम करे पड़ा। कितना पैसा निकाल के आपने दिया या कितना? लगभग साहब ही मान के चलो 43-44 लाख रुपया हमारे ट्रांसफर करवा रहे निकाल लेने के लिए। निकाल ले तो मतलब जो है अब क्या क्या दिक्कत है आपको कैसे पता अब चला? दिक्कत यह है साहब कि सरकार हमरे ऊपर अरे जो है हम अरे वो जो है जांच कर रहे थे तो पैसा हमें कहा थे भरे तो हम कहाँ पैसा भरी हमारे पैसा बबलू और जाकिर मिल के खा ली तो साहब पैसा हम कहाँ भर पाए पैसा वहीं सबसे वसूला जा। तो ये इसकी शिकायत आपने किसी से नहीं की? अब शिकायत करी था लेकिन कोई क्यों सुनते नहीं हमार तो कहा करी। सिद्धार्थनगर से पप्पू वर्मा की रिपोर्ट टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।